अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद देखने नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जी हाइड्रोफोनिक पे है। हाइड्रोफोनिक मींस के पानी वाली फार्मिंग, कि हम पानी बगैर सॉइल के पानी पे के ऊपर कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। ये काम ज़्यादातर बड़े कंपनीज बड़े पैमाने पे करती हैं, लेकिन एक भाई ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ उनकी वीडियो। उन्होंने घर में हाइड्रोफोनिक का सिस्टम बनाया हुआ है और वो छोटी सी जगह से वर्टिकल हाइड्रोफोनिक बना रहे हैं। आपने थंबनेल में उसकी तस्वीर भी देखी होगी। तो मिलके इस वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं कि ये काम हम घर में कैसे कर सकते हैं। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दुआएं में याद रखा करें हमेशा, और ऐसी वीडियोस आप तक लाता रहूंगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहें। चार इंच का पीवीसी पाइप है जी, 1 मीटर लेंथ के साथ है। दस सेंटीमीटर पर एक सुराख करेंगे, 10 सेंटीमीटर पर पहला सुराख कर रहे हैं। छत्तीस इंच सेंटीमीटर उसकी टोटल गोलाई थी ये पाइप की ना, तो उसके ऊपर ये तीन सुराख करेंगे। तो तीन सुराख जो है ना वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ बनते हैं। टोटल 12 सेंटीमीटर के हिसाब से वो ये तीन सुराखों को डिवाइड करें कि वो एक तरह यूनिफॉर्म एक जैसे सुराख बने। उसको कागज़ पर ड्रा किए इसलिए किए ताकि एक तरह पैरेलल बने ये सुराख। ये पाइप भी हमारी तरफ मिल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कागज पे इसलिए ड्रा किए ताकि कागज से अंदाजा हो जाता है कि आपके जो जो डिस्टेंस है जो पाइप के ऊपर आप जो सुराह डाल रहे हैं वो गलत जगह पे तो नहीं डाल रहे हैं। उसके ऊपर पहले से ड्रा कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको उसी डिस्टेंस के हिसाब से यूनिफॉर्म तरीके से ऊपर नीचे रखे हैं। 4.5 सेंटीमीटर का एक जो है ना वो कट लगाना है इन्होंने, 4.5 सेंटीमीटर का, इसलिए उसके हिसाब से ना 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है पेंसिल से। बीस सेंटीमीटर के बाद फिर जो है ना वो 10 सेंटीमीटर के हाफ पे रख के फिर ऊपर की तरफ जो है ना इन्होंने वो किया ताकि ये एक दूसरे के अपोजिट आए। अब 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर ये कट लगा रहे हैं आरी से। ये 4 इंच का पाइप था, 4 इंच के पाइप जो है ना पीवीसी का पाइप मिल जाता है, हीट गन मिल जाती है, हीट गन के साथ इन्होंने हीट इसको हीट दे रहे हैं। हीट गन मिल जाती है आम बाजार में, आराम से मिल जाती है हीट गन।
सुराख कैसे करते हैं देखेंगे। देखिए कट वाली जगह पे इन्होंने ना हीट गन से इसको गर्म कर लिया है। अच्छा देखिए ये दूसरा पाइप है 1.5 इंच का, 1.5 इंच का पाइप है वो, उसको क्रॉस में कट करके उसके अंदर डाल के उसके अंदर घुमाया है, तो उससे क्या हुआ है एक सुराख, डाई टाइप की एक सुराख बन गई है उसके अंदर। 1.5 इंच का पाइप जो है ना वो यूज़ किया है रिंग के लिए। अब ये देखिए ये सारे एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, जितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं उतनी लेंथ पे आप ले जा सकते हैं। ये असेंबली है इसकी जी, 3 PVC के पाइप हैं, एल टाइप के, और सॉकेट रखे हुए हैं, ऊपर के कैप्स हैं 10 सेंटीमीटर के जो है लेंथ के, जो है ना 4 इंच का, देखें 10 सेंटीमीटर की लेंथ की कटिंग की है। ये 12.5 सेंटीमीटर की है, 2 PVC के पाइप जो है ना 12.5 सेंटीमीटर के हैं, 5 पाइप जो है ना 4 PVC के जो है ना 30 सेंटीमीटर के हैं। ग्लू से आप जोड़ रहे हैं इसको, समन बॉन्ड से हमारे यहाँ आसाम से मिल जाती है, समन बॉन्ड से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये एल वाले पाइप के अंदर जो है ना सॉकेट के अंदर डाल दिए। ये टी के साथ इसको जोड़ा है, इस तरफ भी ऐसे लगा दिए। ये 2 इस तरह के बना लिए हैं इन्होंने। इसके ऊपर 4 टावर लगेंगे ना, तो मेरा हल एक एक पाइप के ऊपर एक एक टावर बनता है। इसके अंदर भी टी लगा दी है। अच्छा है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है इसमें तो कुछ। जो 30 सेंटीमीटर वाले जो है ना इसके ऊपर लगा दिए मेरे ख्याल से, ये वो 30 सेंटीमीटर वाले जो पाइप 5 पाइप थे ना वो ऊपर लगा दिए इसके, इस तरह का ये टावर बन गया है। इसके साथ भी सॉकेट लगा के इनको कंबाइन कर दिए। चार पाइप हो गए 1.3 मीटर के ना हाइट के, 1.3 मीटर की हाइट रखी है इन्होंने। दूसरी वीडियो देखते हैं इनकी, जिसमें इन्होंने दूसरे पार्ट में बताया है कि आगे इन्होंने क्या किया है। इसमें पानी भर दिया इन्होंने ना, उनकी दूसरी वीडियो। अच्छा सेंटर वाले के अंदर इन्होंने अब मोटर डाली है पानी की, और ऊपर से भी जो है ना कप लगाए आप।
ये पानी ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। यस गुड। पानी की मोटर है, पंप है छोटा सा। इसका बताया हुआ है ये कितना है, 5 एम्पीयर एडाप्टर है इसके साथ, 12 वोल्ट की डीसी डीसी पंप है ये छोटा सा। ये वाटर पंप आजकल मिल रहे हैं पाकिस्तान में भी, चाइना के पंप आ रहे हैं। ये सेम नहीं मिलता तो इस तरह की और भी अब पाकिस्तान में जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़ लगा लेते किसी न किसी चीज का। ये मर्सिबल है मेरा ख्याल, ये पानी के अंदर पड़ी रहती है इसलिए। हाफ इंच पीवीसी के 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ अलग है। हमने तो भाई अपनी जुगाड़ लगानी है, सिर्फ आप इस चीज़ को देखें कि ये कैसे बना रहा है। अगर ये चीज़ ऐसे बना रहा है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, कुछ चीज़ें हमें खुद से करनी होंगी इसके अंदर इसको समझने के लिए। ढक्कन के सुराख कर लिए, डायरेक्ट पाइप नहीं लगाया, इसके अंदर सुराख किए, उसको लॉक लगाया है ताकि पानी रेन की तरह गिरे, डायरेक्ट पानी ना गिरे, रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा ये बात ध्यान में रखनी है, अंदर रेनिंग करनी है पाइप के अंदर। ये मर्सिबल है, पानी के अंदर पड़ी रहती है। हमें इस तरह की छोटी मिल जाएंगी, ऐसी मिल जाती हैं आजकल आ रही हैं। लोगों ने ये वाटर कूलर्स के अंदर जनप लगाई होती हैं इस तरह की, उसके साथ कोई जुगाड़ किया जाए तो ये चीज़ बन सकती है आराम से। ये ऊपर लगा दिए, यस गुड। अच्छी है यार, अप्रिशिएट करना पड़ेगा बंदे को। अच्छा
अच्छा सेंटर वाले के अंदर इसने ना पानी ज़्यादा नहीं मिक्स किया, इसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स वाले पानी आते हैं, आजकल लोग न्यूट्रेंट्स मिलते हैं लिक्विड एनपीके मिलते हैं, एनपीके मिक्स करके जो है ना पानी बनाया है उसको उसके अंदर डाला है। एनपीके का पानी ऐसा पानी बनाना है जिसकी जो पीएच है वो तकरीबन 10 पीएच के अराउंड हो, 9-10 के दरमियान में हो। देखिए दिखाई गई पीएच मीटर है इसके पास, पीएच मीटर इसके अंदर रखेगा, ये देखिए 7.110 ppm है। लीक से बचाने के लिए इसके जो है ना होल्स में वो लगाए, ये रिंग्स भी डाले हैं इसके अंदर इसने। आप और हम इसे सामान बॉन्ड से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ है कि ये चीज़ पता नहीं कहाँ से मिलेगी, जो अंदर टोकरी से डाली है छोटी सी, इसकी अरेंजमेंट थोड़ा सा मसला होगा। बनाने वाले ये भी बना लेंगे जी खुद से। हर एक टोकरी के बैक साइड पे जो है ना कपड़े की एक वो रखी हुई है जो पानी को, जो ऊपर से पानी गिरता है वो जो है ना वो पानी पकड़े रखती है, जिसकी वजह से नमी मिलती रहती है उस पौधे को। देखिए इसके पीछे एक ना वो टोटा सा लगा हुआ है कपड़े का, उम्मीद करता हूँ जी आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था, इतना कोई इतना मुश्किल नहीं है प्लांट बनाना। सिर्फ एक जो है ना ये जो टोकरी छोटी सी है जो इसके अंदर रखी जाती है, जिसके अंदर आप जो है ना अपनी जो पौधा है जो जिसको आप उसके पनीरी जिसे कहते हैं हम, पनीरी को जिस तरह उसके अंदर रखना होता है, जो पनीरी का जो नीचे वाला जो बेस होती है उसको अक्सर स्पंज के अंदर रखा जाता है। स्पंज के अंदर भी आप रख के उसको स्पंज के अंदर लपेट के उसको उसके अंदर रख दें, तब भी वो बहुत अच्छा काम करती है। और ये है कि चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, अगर बनाने पे हैं तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी, वो भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इसकी और भी वीडियोस में लेकर आऊँगा, इन्होंने और क्या क्या किया हुआ, ये न्यूट्रिशन जो न्यूट्रन जो बनाते हैं मिक्सचर ये कैसे बनाते हैं, इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह आपको वो भी मिलेंगी। उसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो हम याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम।